चरण के तहत हम यहाँ पे हम खड़े हैं अलीपुर क्षेत्र में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारी मात्राओं में महिलाओं में जो है उत्साह है, जुनून है। हम पूछना चाहते हैं आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया कति। अब कति त्योहार मना रहे, त्योहार की तरह आ रहे हैं। हम सोचा है 4 जून में भी अभी तो बड़ा त्योहार मनावे। महिलाएं जो है ये यहाँ पे त्योहार मना रहे हैं, आज उनके लिए एक त्योहार का दिन है। आप देख सकते हैं कि कितना जुनून है, युवाओं से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक सिटीजन भी आए हैं और इनके लिए आज त्योहार का दिन है। आप देख सकते हो कि भारी मात्राओं में यहाँ पे महिलाएं मौजूद है। और आप जो समस्याएं है यहाँ की, यहाँ पे क्या बदलाव चाहते हो? भाई जो बुनियादी सुविधाएं है ना अपने गांव में वे चाहिए। सामने आइए, बोलिए क्या चाहते हैं। पक्की चाहिए, सारी फूटी पड़ी है, सीवर सारे जो रपड़ा चल रहा है, ये रपड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मारकाट ये बुरा हाल हो रहा है अलीपुर में, ये नहीं होना चाहिए कितने भी दिल्ली में। नेता कोई भी हो, ये जो है एक बदलाव चाहते हैं। और हम देख सकते हैं अभी भी इनकी इसमें कितना हौसला है, जुनून है। मैं पूजा सिरसोले, P24, देखते रहिए ताजा खबर। हाँ जी, मैं महिलाओं की तरफ से बोलना चाहती हूँ, बीजेपी सरकार के राज्य महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम बदलाव चाहते हैं, किसान सुरक्षित नहीं है, 750 किसानों की शहादत हुई है, मजदूर सुरक्षित नहीं है, मनरेगा का जो काम है उनमें बिल्कुल कटौती हुई है, और जितने भी कर्मचारी हैं उनको OPS का जो अपने हड़ताल करे थे उनको भी लठ बरसाए गए हैं। हरियाणा में सरपंचों को लठ बरसाए गए हैं। महिलाएं जंतर मंतर पर अपनी सुरक्षा के लिए जो लड़ रही थी उन पर लठ बरसाए गए। जब एक ओलंपिक महिलाएं हैं और वो अपने न्याय के लिए जब जंतर मंतर पर लड़ रही थी तो मोदी सरकार ने उनको अत्याचार करने में कोई कसर निकाली है। रोड पर 14 महीने तक किसानों का आंदोलन चला। हरियाणा में और अलग अलग स्टेटों में आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, क्रैच वर्कर लगातार लड़ाइयाँ लड़ रही हैं अपने अधिकारों की। लड़ी सरकारों को एक फ्री की वर्कर समझ रही हैं, जो कि उनका एक बुनियादी अधिकार है। एक काम जो करते हैं बंदे उनको अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उनसे फ्री में काम लेना चाहती है और उनका इतना अत्यधिक शोषण कर रही है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। और आज एक जो 25 मई का दिन है, ये बिल्कुल बीजेपी सरकार को बदलने में बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होगा। और हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बदले और कांग्रेस गठबंधन जीते।